अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शुरला के नाम से बहुत ही मेहरबान हाजरा वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन। आज मैंने यहाँ के लिए बहुत ही मजेदार सी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन स्पैगेटी के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है एक पाउच चिकन, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। देखें इस तरह से। इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून नमक, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर सफेद मिर्च डाल दूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च। 1 टीस्पून चाट मसाला और 2 से 3 ड्रॉप में इसमें डाल दूंगी सोया सॉस के, इस तरीके से। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं वो ये गलती करते हैं कि स्पेगेटी बनाते हैं चिकन में ना सोया सॉस ऐड ही नहीं करते, वो सारी चीज़ें बनने के बाद ऐड करते हैं। लेकिन आपने सोया सॉस को चिकन में भी ऐड करना है, इससे उसका फ्लेवर चिकन में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि चिकन को हमने पहले ही कुक कर लेना है, तो बाद में उसका फ्लेवर अच्छे से इसमें नहीं जाएगा अंदर तक ना। अगर आप सोया सॉस चिकन में ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो चिकन है ना, एक तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और दूसरा इसमें फ्लेवर आ जाएगा सोया सॉस का। तो चलिए जब हम इसको कुक कर लेंगे, तो देखिए अब हमने लिया एक पैन, और पैन हमारा है जो गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, तो आपने कलर आने तक फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर हमारा चिकन का कलर चेंज हो गया है, ये देखें। अब आपने किस समय इसमें 3 से 4 टेबल स्पून में पानी डाल दूंगी। इसको लो फ्लेम पर आपने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। यहाँ पर मैं पानी बाउल से ऐड किया क्योंकि इसमें सारे मसाले लगे होते हैं जो हमने चिकन में डाले थे, और वो ज़ाया होंगे, इस वजह से मैंने इसी से इसमें पानी शामिल कर दिया। चलिए जी, अब आपने इसको क्या करना है, आपने ढकना नहीं है इसको, ढक्कन के बगैर ही आपने इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लेना, ताकि चिकन हमारा क्रिस्प हो जाए अंदर तक। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमारे चिकन को कुक होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। एक दो हाथ में चम्मच चला देंगे, तो अब हम इसको ग्रीसी करने के लिए ना इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेकर ना उसको थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिए, ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ आपने इसको 2 मिनट तक पका लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका चिकन है ना वो बहुत ही ज़्यादा जूसी जूसी और बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारा चिकन है वो बिल्कुल रेडी, और इसके ऊपर एक कॉर्नफ्लावर की लेयर आ गई है। अब तो जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है, हमने यहाँ पर एक पैन लिया, इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और यहाँ पर मैंने एक प्याज लेकर इसको इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये डाल देंगे। और प्याज को हम यहाँ पर हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च लेकर मैंने उसको इस तरह से काट लिया था लंबाई में, आप चाहें तो इसको जिस भी तरीके से काटना चाहिए काट सकते हैं। गाजर है, यहाँ पर मैंने एक गाजर शामिल की है, उसको मैंने बारीक काट लिया था। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें और सब्जी जैसे बंद गोभी होगी डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और सारी सब्जियों का पानी आपने ड्राई कर लेना है। और अगर साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस तरीके से आपने उनको 2 मिनट तक आपने अच्छे से फ्राई कर लेना। फिर जब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इनको मिक्स करके आपने 2 मिनट तक सब्जियों के साथ इनको अच्छे से भून लेना, ताकि सारे जो मसाले हैं उनका फ्लेवर सब्जियों में अच्छे से चला जाए। फौरन से आपने इसमें चिकन या स्पैगेटी वगैरह को ऐड नहीं करना, तो सब्जियों को अच्छे से मसालों के साथ आपने 2 मिनट तक भूनना है। 2 मिनट तक तो आप इसको लास्ट में भूने। चूल्हा मैंने यहाँ पर भी लो ही रखा हुआ है, मैंने मीडियम हाई नहीं किया, सिर्फ लो है हमारा जो चूल्हा, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों में पानी पर जो सब्जियाँ अपने पानी में यहाँ पर कुक हो जाएंगी। और ख़ासतौर पर जो ये नूडल्स हैं बच्चों को इतने पसंद होते हैं, आप उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, घर पर आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं जल्दी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन,
यहाँ पर मैं चिकन को बॉल में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चिकन है उसके ऊपर कितनी प्यारी सी एक जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उसकी लेयर आ गई। ये बिल्कुल जूसी है अंदर से, ये देखें जूसी और सॉफ्ट है। इसको ऐड कर देंगे, इसको भी आपने मिक्स कर लेना सारी सब्जियों के साथ। तो जो हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया था ना, जब आप चिकन खाएंगे ना उसका एक अलग ही फ्लेवर आपको इसके अंदर चिकन के अंदर आएगा। जब हम ऊपर से डाल देते हैं तो चिकन के अंदर तक नहीं जाता। यहाँ पर हमने चिकन को पकाया तो सोया सॉस का जो फ्लेवर है अंदर तक इसके चला गया। चलिए जब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। फिर जब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस भरकर। स्पैगेटी, यहाँ पर मैं स्पैगेटी लेकर उसको बॉईल कर लिया। पानी में मैंने ऑयल डाल के उसको 3 मिनट तक बॉईल कर लिया था, ये डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। आपने यहाँ पर कैचअप, सोया सॉस और नूडल्स, नूडल्स कह लें स्पैगेटी कह लें, इनको आपने तीनों चीज़ों को एक साथ ही मिक्स करना है। पहले आपने सोया सॉस में केचप वगैरह ऐड नहीं करनी, तीनों के साथ डाल कर भी मिक्स करना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो स्पैगेटी में फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पर चूल्हा मैं कर दूंगी ऑफ। देखिए यहाँ पर जो हमारी चिकन स्पैगेटी है वो रेडी हो गई है, और ये देखने में आपको जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसलिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिले एक मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।